हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D वीडियो। तो आज की वीडियो में फिर से हम लोग इसके मिथबस्टर्स को कंफर्म या बस्ट करने जा रहे हैं। हमारा पहला मिथ ये है कि हम अगर जेट पैक से वॉइड में जाएंगे तो हमारा बंदा नहीं गिरेगा। तो जेट पैक का चीट कोड है गाइस 320। इसको लेके हम लोग चल रहे हैं पानी के अंदर, क्योंकि पानी के अंदर ही आपको वॉइड मिलेगा। तो बिल्कुल ही एंड पॉइंट तक आ चुका हूं मैं गाइस, और हमारा वॉइड जो है वो चालू होने वाला है। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर से अगर आप आओ तो आप नीचे गिर जाते हो हेलीकॉप्टर छोड़ के। लेकिन आप देख सकते हो जेट पैक में मेरा बंदा नहीं नीचे गिरा है। ठीक है, अब देखो दुनिया हमारे ऊपर है, मैं अभी वॉइड के ऊपर हूँ। अब हम धीरे धीरे नीचे जाएंगे वॉइड के और गहराई तक। 2000 years later, तो इस पॉइंट से नीचे हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन यही है फाइनल पॉइंट। अब हम लोग धीरे धीरे ऊपर जाते हैं और मैं आपको वॉइड से सीधा अपने वर्ल्ड में जाके दिखाऊंगा इस जेट पैक से, जो कि हम लोग प्लेन से भी कर सकते हैं। ऊपर अगर आप देखोगे ना तो आपको हमारी दुनिया दिख ही रही होगी। अब ये मुझे पता नहीं पानी है कि दुनिया है, वैसे पानी है क्योंकि पानी से चालू होता होगा और हम सीधा पानी से ही अंदर घुसेंगे गाइस। तो रेडी हो जाओ, बहुत ही तेजी में हम लोग एंटर करने जा रहे हैं। ये आ गया हूँ मैं समंदर के अंदर, और ये समंदर के ऊपर आगे तो वॉइड दिख रहा है, लेकिन आगे ऐसा नहीं है, वो लोड नहीं हो रहा होगा फर्स्ट पर्सन में, तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर आप 320 वाले जेट पैक को रोल ऑन करके और जेट पैक का बटन एक साथ दबाओगे तो होगा मैजिक। ठीक है गाइस, तो पहले हमें इसे रोल ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर हमें पहले चढ़ना पड़ेगा। अब चलते हैं हमारे जेट पैक से इसके ऊपर। थोड़ा टेढ़ा है यार, क्योंकि सीधा हो ही नहीं पा रहा था। बस मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं नीचे गिरूं नहीं। क्या लगता है आपको, मैं नीचे गिरूंगा जैसे एग्जिट मारूं तो? और ये नहीं गिरा, ठीक है बच गए। अब यहीं पे खड़े खड़े जल्दी से RGS टूल खोलते हैं और इसमें लिखते हैं रोल ऑन, क्योंकि हमें दोनों को साथ में दबाना है। ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है, इसके लिए मैं स्लो मोशन करूंगा गाइस। और ये हो चुका है, ठीक है, रोल ऑन भी हो चुका है। अब घूम रहा है, लगी मुझे पता नहीं क्या हुआ, शायद नीचे से धक्का मार दिया है फिर ऊपर गया, भाई कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा बंदा आगे चला गया है ओके जेट पैक से, और ये बिल्कुल ही आगे चला गया गाइस। ऐसा लग रहा है स्विमिंग पोजिशन में आ रहा है ये डॉल्फिन वाली, और बहुत ज़्यादा लंबा भी हो चुका है गाइस। तो अब भाई ये कुछ नया हो चुका है, और यहाँ से हम अब इसको उड़ाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ गाइस, ये खुद ही नीचे गिर गया और इसी के साथ वॉइड में भी चला गया। लेकिन बहुत ही खतरनाक पोज ले लिया था यार उसने, और ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि हेलीकॉप्टर का एग्जिट और एंटर बटन चेंज है। तो बुलाते हैं हेलीकॉप्टर को, 8000 है इसकी चीट कोड। और हाँ यार, इसका एंटर बटन तो भाई कार का आ रहा है गाइस। पहले यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो हेलीकॉप्टर का ऑप्शन आता था, अब लेकिन यार कार का ऑप्शन आ रहा है गाइस, हेलीकॉप्टर का नहीं आ रहा है। ये पता नहीं क्यों चेंज किया गया गाइस। प्लेन में भी एक बार देख लेते हैं क्या ऐसा हो रहा है। प्लेन का चीट कोड है 555, इसके पास चलते हैं, और इसमें तो प्लेन का ही ऑप्शन आ रहा है, तो फिर हेलीकॉप्टर का क्यों चेंज कर दिया? तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ दिया है दिव्यांश अग्रवाल ने, और इनका मिथ ये है कि किसी भी NPC को हम मारते हैं ना तो वह हमारे घर के नीचे चले जाता है। तो गाइस अगर आपको भी अपने ऐसे मिथ देने हैं तो अपनी वीडियोस आप अपलोड कर सकते हो, गूगल फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, और अपना नाम भी साथ में दे सकते हो। तो गाइस यहाँ पे मैंने NPC को मार दिया है, अब हम लोग चल रहे हैं अपने घर की तरफ। अब इसको देखते हैं भाई ये कैसा आता है। वैसे एक डॉग भी है हमारे साथ जो कि हमारा पालतू ही डॉग है, इसका भी समझ में आ जाएगा। वैसे धीरे धीरे करके यार जमीन के अंदर तो घुसते जा रहा है, डॉग तो पूरा ही अंदर चला गया है, उसके सिर्फ कान दिख रहे हैं, और NPC अब मुझे मार नहीं सकता गाइस। हमारे ओल्ड हाउस में भी कुछ ऐसा ही होता था। एक बार स्विमिंग पूल में देखें क्या ये तैरता है मेरी तरह। नहीं भाई, अगर ये तैर रहा होता ना तो मजा आ जाता। वैसे डॉग भी यहाँ पे आ चुका है, और इधर ये खड़ा हो सकता है गाइस, मैं खड़ा नहीं हो सकता हूँ, सोच रहे हो? NPC खड़ा हो सकता है पानी में, इसको थोड़ा और अंदर तक लेके चलते हैं। अरे यार यहाँ पे मैं हर बार कन्फ्यूज हो जाता हूँ कि ये खिड़की है कि नहीं है, गेट है कि नहीं है। ठीक है अंदर चलते हैं, और ये गायब हो गया है गाइस, ये गायब हो गया है भाई, ये अंदर ही चला गया घर के। वैसे मुझे ना डॉग की आवाज़ आ रही है, जिससे मुझे समझ में तो आ रहा है कि ये दोनों मेरे नीचे ही हैं, लेकिन ये नीचे से क्या ही कर लेगा यार, मतलब क्या ही कर लेगा। पानी के अंदर जाके देखूँ ये गायब तो नहीं हो गए दोनों? नहीं नहीं है, बस क्या है वहाँ पे बहुत गहरा है। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ भी दिया है दिव्यांश अग्रवाल ने, और इस बार मिथ ये है कि पंच दबा के अगर हम लोग ना स्विमिंग पूल में जाते हैं ना तो हम नीचे खड़े हो सकते हैं। तो गाइस आपको कुछ ऐसे ना पंच मारते हुए पानी की तरफ खिसकते जाना है। मेरा जॉयस्टिक भी देख लो आगे की तरफ ही है, और जैसे फिर आप पानी में गिर जाओगे तो ये देखो आप फाइनली गाइस पानी में खड़े हो सकते हो, और दो चार पंच भी मार सकते हो, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ये तैरने लग जाता है। एक बार फिर करके दिखाता हूँ, ये देखो फिर पानी में हम लोग खड़े हो सकते हैं गाइस। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर हम मिनी जेट पैक और बोलेरो में एक साथ बैठे तो दोनों को मंगा लेते हैं। एक है बोलेरो 3100 की चीट कोड से, और एक है हमारा मिनी जेट पैक 330 की चीट कोड से।
शायद से मैं इन दोनों में बैठ तो चुका हूँ, हाँ लग तो रहा है। ठीक है गाइस, तो मैं अभी बोल ले रहा हूँ कि अंदर हूँ, लेकिन भाई मेरे को जेट पैक का स्क्रीन दिखाई दे रहा है और जब मैं चालू करता हूँ तो जेट पैक उड़ता है। ओके, और जेट पैक उड़ता है फिर थोड़ी देर बाद बोलेरो की तरफ स्क्रीन आ गई। मेरा बंदा पता नहीं क्या कर रहा है, हाथ पर उठा के कुछ योगा पोज कर रहा है और अपने जेट पैक की तरफ ही देख रहा है शायद से। अब लेकिन इस गाड़ी को चलाएं कैसे हम? एग्जिट मार के देखता हूँ गाइस क्या होता है ना, क्या ये वॉइड में जाता है? अरे भाई चला गया, तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अपडेट के बाद अगर हम हेलीकॉप्टर को फ्लाई करके एग्जिट करेंगे तो उसका ब्लेड रुकेगा नहीं। तो गाइस हेलीकॉप्टर तो मैंने भुला लिया है, और ऐसे कैसे होगा भाई कि रुकेगा नहीं, है ना। एक बार इसको उड़ाते हैं फिर हम लोग मारते हैं एग्जिट, और अब देखते हैं सच में नहीं रुक रहा है। ये क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पे ब्लेड जो है ये रुक नहीं रहा है, ये कैसे हो सकता है? पहले तो रुक जाता था और मैंने एग्जिट भी मार दिया है, तो इसको रुक तो जाना चाहिए कायदे से, लेकिन अभी पता नहीं क्या हो गया। एक बार इसको उड़ा के देखूं क्या? यार ये देखो, ये हवा में भी खुद ही उड़ रहा था, थोड़ी देर बाद वैसे नीचे आ गया, लेकिन यार इसके विंग्स रुक ही नहीं रहे गाइस, और इसको हम रोक ही नहीं पा रहे हैं, तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि स्विमिंग पूल के ऊपर से पानी दिखता है पर नीचे से नहीं दिखता। तो इसके ऊपर सुपर जंप मारने वाला हूँ गाइस मैं, जैसे हम लोग नीचे गिरेंगे मैं फर्स्ट पर्सन कर लूंगा। ठीक है, ऊपर से तो पानी दिख रहा है, और ये देखो फर्स्ट पर्सन में नीचे से हमें पानी दिखाई दे ही नहीं रहा है जबकि हम पानी के अंदर ही थे, और जैसे ही मैं खड़ा हुआ फिर से हमें पानी दिखने लग जाता है, तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर हम स्टिकी मैन बनकर जेट पैक पर बैठे तो मैजिक होगा। तो बनते हैं पहले हम लोग स्टिकी मैन, जिसके लिए हमें बहुत सारे स्टिकी बॉम्ब्स डालने हैं जमीन पर। अब मारते हैं इन पे स्काईफॉल, और इनफिनाइट हेल्थ लगाना हम मत भूलना गाइस। और ये गिरे हम लोग और स्टिकी बॉम्ब्स चिपक चुके हैं हमारे शरीर पे, और आप बन चुके हो स्टिकी मैन। अब बुलाते हैं जेट पैक को। जेट पैक की चीट कोड है 320। ये आया मैं, अरे ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा। ठीक है गाइस, आ चुका है, ये बैठा मैं और मेरा जेट पैक। भाई ये क्या हुआ, बेब्लेड बन गए, ये तो गोल गोल घूमने लग गया बहुत ही तेजी में। भाई चक्कर आ रहे गाइस, कितनी तेज घूम रहा है यार, क्या ही ग्लिच मिला यार, कितना खतरनाक लग रहा था गाइस। फर्स्ट पर्सन में तो मजा ही आ गया था, ये देखो थोड़ा धीरे घूमता है उसके बाद अल्ट्रा स्पीड में घूमने लग जाता है गोल गोल। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। ऐसे हम लोग दूसरे जेट पैक के साथ भी देखते हैं। दूसरा जेट पैक आता है 330 से, ये इसमें बैठे, ये भी गोल गोल घूम रहा है लेकिन ये उतना तेज नहीं घूम रहा है। ठीक है रुक गया। ओके, तो मुझे लग रहा है ये वाला जो है ये उतना तेज नहीं घूमेगा गाइस, लेकिन ये वाला जो है ना भाई इसने तो मजे दिला दिए। ऐसा लग रहा है सच में हम लोग है ना झूला झूल रहे हैं, देखो फर्स्ट पर्सन में तो खतरनाक ही हो रहा है, तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ दिया है आदित्य गोयल ने, और इनका मिथ ये है कि न्यू हाउस को हम लोग येल्लो कलर करते हैं और बाइक से दूर जाते हैं ना तो वो हमारे ओल्ड हाउस की तरह ही दिखता है। तो खोलते हैं RGS टूल को और लिखते हैं इसमें हाउस स्पेस कलर स्पेस येल्लो गाइस, ठीक है फिर ये हो जाएगा येल्लो कलर का। अब पास से देखने में तो यार बिल्कुल भी हमारे ओल्ड हाउस की तरह ये नहीं दिख रहा है। अब बुलाते हैं एक बाइक और चलते हैं दूर। तो काफी दूर आ चुका हूँ मैं, और अब दिख रहा है ये हमारे ओल्ड हाउस की तरह। भाई बिल्कुल सेम कलर लग रहा है गाइस, अगर आपको याद होगा ना हमारे ओल्ड हाउस का कलर तो बिल्कुल ही सेम लग रहा है, और मुझे तो घर भी सेम ही लग रहा है। पास जाके एक बार देख लें, घर तो चेंज नहीं हो गया है, बिल्कुल ही सेम लग रहा है गाइस ये, लेकिन पास आके नहीं लगता उतना, तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। तो अगर आपको ये मिथ अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो ऐसे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की वीडियोस देखने के लिए, और कमेंट कर देना नीचे गाइस अपने अपने मिथ्स ताकि हम उनको ले अगले मिथ बस्टर्स की वीडियो में। और मेरी पिछली वीडियो देखनी हो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, देख लो दबा के।